हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व करने वाले हैं कि जिसमें आपको तीन इक्वेशंस दी होती है और उसमें जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दिया मैंने आपको x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवन, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एट, ये तीन इक्वेशंस दी हुई है और आपको कहा है कि इसे सॉल्व करिए यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आप इसे डायरेक्ट जैसे टेंथ में सॉल्व करते थे, इससे एक्स की वैल्यू उसमें, उससे उसमें, या सब्स्टिट्यूशन की, एलिमिनेशन की मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको मैट्रिक्स का यूज़ करके ही करना पड़ेगा इसको। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप देखिए कि क्या तरकीब हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो जो इसके कोफिशियंट्स है, क्या है इसके कोफिशियंट्स, वन वन माइनस वन, टू वन वन और वन टू वन, ये इसके कोफिशियंट्स है। और यहाँ आएंगे अननोन्स आपके एक्स वाई जेड, क्लियर, और इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो सेवन एट। तो इसको हम नाम देते हैं, ए नाम देते हैं, इसको हम बी ना एक्स नाम देते हैं और इसे हम ए, इसको एक्स और इसको हम बी अज्यूम कर लेते हैं। तो ये बन जाता है आपका ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए एक्स इज इक्वल टू बी बन गया आपका। तो अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा इसको दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स ए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो ये ब्रैकेट इधर सरक आएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपका ए इनवर्स ए क्या होता है, आई, कैपिटल आई, आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और आपको मालूम है कि आई एक्स इज वॉट एक्स, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके ए इनवर्स बी। तो इस इक्वेशन से हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेट दिस इक्वेशन बी स्टार, मान लीजिए कि ये इक्वेशन स्टार, पर इस इक्वेशन स्टार के लिए आपको क्या क्या मालूम है, तो यू नो व्हाट इज ए, यू नो व्हाट इज बी, ए क्या चीज़ है, ये पूरा ए है, दिस इज व्हाट ए, दिस इज एक्स, ये ए है, ये कौन है आपका, ये एक्स है और ये आपका बी है। तो अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बी निकालने की कवायद शुरू होती है। तो ए इनवर्स आप अपने दिमाग में रखो, कीप इन माइंड ए इनवर्स इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप एक काम करें कि डिटरमिनेंट ए निकाल लें। तो डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, देखिए डिटरमिनेंट ए मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ वन वन माइनस वन, टू वन वन, वन टू वन। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का प्रोसीजर वही जैसे आपको आता है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का विचार करें, तो वन प्लस का है, माइनस वन है और प्लस इंटू माइनस माइनस वन है, ये गया तो ये रो और ये कॉलम को छुपा लिया, वन वन टू वन, वन वन टू वन। इसके लिए क्या करेंगे हम, माइनस वन के लिए ये गया और ये टू वन वन वन, टू वन वन वन, आखिरी वाला है ये गया और ये गया टू वन वन टू। अब इसे सॉल्व कर लें, वन इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस वन, माइनस वन, टू इंटू वन माइनस वन, वन माइनस वन, टू टू या फोर माइनस वन थ्री। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, डिटरमिनेंट ए, वेन एवर डिटरमिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको बोलते हैं देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल।
ए इज इन्वर्टिबल और ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, एंड इफ इट इज सिंगुलर देन इट्स डिटर्मिनेंट विल बी जीरो. ये दोनों टर्म आप याद रखना, नॉ इज इन्वर्टिबल और सिंगुलर, अगर इन्वर्टिबल एंड नॉन सिंगुलर, और अगर जीरो है तो नॉन इन्वर्टिबल और सिंगुलर. तो बस अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन मिलेगा. देयरफॉर द सिस्टम, दिस सिस्टम, ये तीनों को मिला के सिस्टम, द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन. तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका एडजॉइंट निकलेगा, एडजॉइंट निकाल के ए इन्वर्स निकलेगा, ए इन्वर्स जब निकल जाएगा तो हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी. तो अब आगे हम किसकी, आप समझ गए होंगे, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बढ़ते हैं. तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बढ़ते हैं, अगर आपने मेरा एडजॉइंट ऑफ ए का वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला, तो आप ज़रूर से देखिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. फिर भी हम यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है. तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें सबसे पहले निकालना हो, पहले हम हेडिंग डाल देते हैं कि हम क्या निकालने जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. लेकिन उससे पहले कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालने होंगे 1 1 पहली रो और पहला कॉलम के. तो वापस ए लिख देता हूँ मैं यहाँ, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, 1 1 -1 2 1 1 1 2 1. अब मैं कोफैक्टर निकालता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लेते हैं. ये गया, ये गया, आप देख रहे होंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो यह आ जाएगा 1 into 1 1 1 2 1, तो ये हो जाएगा -1 to the power 2 1, 1 into 1 1 -2 -1, C12 -1 to the power 1 plus 2. ये गया और ये गया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये गया ये गया, तो हमारे पास बचेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस, 2 into 1 minus, तो ये लिखेंगे 1 1 2 1 sorry 2 1 1 1 2 1 1 1, 2 into 1 minus 1, तो ये आ जाएगा 1, और बीइंग दिस -1 to the power 3 -1. C13 में ये गया और ये गया, तो -1 to the power कितना हो जाएगा, 1 plus 3, ये गया और ये गया, 2 2 जा 4 -1 3, तो ये हो जाएगा 3. अब आइए C21 निकालते हैं, C21 हो जाएगा -1 to the power 2 plus 1, और कोफैक्टर 2 1 निकालने के लिए ये गया और ये गया, तो दिस इंटू दिस 1 minus 2 into -1, 1 into 1 लिख दूं मैं, सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, आपको अप्रोच में दिक्कत नहीं होगी. ये हो जाएगा आपका ये 2 1, ये गया और ये गया, 1 minus 1 2 1 बचेगा आपका, और आप इसको कैलकुलेट कर लें, -1 to the power 2 plus 1 is -1, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो 1 into 1 1, -2 into this, तो 1 plus 2 3, तो ये हो जाएगा आपका -3. C22 के लिए -1 to the power 2 plus 2, और सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो को भूल जाएं, इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं, 1 minus 1 1 1 1 minus 1 1 1. अब ये देखिए -1 to the power 2 plus 2 1 हो गया, दिस इंटू दिस 1 minus 1 into -1 plus 1, तो ये हो जाएगा 2. C23, तो 2 3 के लिए ये गया और ये गया, आपके पास बचेगा -1 to the power 2 plus 3, ये गया ये गया, 1 1 2 1 2 1 1 1 2, तो ये आ जाएगा आपका -1 to the power 2 plus 3 is -, और 2 into 1 2 -1 1. अब तीन कोफैक्टर्स और जो बचे हैं हमारे पास, वो हैं कोफैक्टर थर्ड इसका इसका इसका, तो C31 नीचे लिख देता हूँ मैं, C31 होगा -1 to the power 3 plus 1, कोफैक्टर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 minus 1 1 1 1 minus 1 1 1, ये होगा -1 to the power 4 plus
वन प्लस वन टू, सी थ्री टू, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये गया और ये गया, वन माइनस वन टू वन, वन माइनस वन और टू वन, और माइनस वन टू द पावर होगा थ्री प्लस टू, माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस टू इज माइनस वन, वन इंटू वन वन, माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस टू, और माइनस बीच में भी है तो प्लस टू, तो ये थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस थ्री, और सी थ्री थ्री की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, ये गया दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो ये माइनस वन, और माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री, माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री मीन्स प्लस वन, प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस वन। अब ये जो सारे कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए दोस्तों, इन सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे हम कहेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में इसको जमा देते हैं, और उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसे एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स कैपिटल सी का ट्रांसपोज, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो सारे एलिमेंट्स ऐसे जमाएंगे, सी वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू और सी थ्री थ्री, इसका ट्रांसपोज। तो सी वन वन की वैल्यू क्या है, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, आप देखते चले, माइनस वन। सी वन टू की वैल्यू है आपकी माइनस वन, सी वन थ्री की वैल्यू है थ्री, सी टू वन की वैल्यू है आपकी थ्री, और टू टू की है टू, और सी टू थ्री की है आपकी माइनस वन, सी थ्री वन की वैल्यू है आपकी टू, सी थ्री टू की वैल्यू है आपकी माइनस थ्री, माइनस वन, और उसका ट्रांसपोज, माइनस वन थ्री, थ्री टू माइनस वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, ट्रांसपोज भी निकाल लिया। एंड नाउ दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का एक वीडियो और एक्सक्लूसिव है, आप उसको भी देखिएगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ ए इनवर्स, अब देखिए ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा ये लिखा हुआ है मैंने, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका माइनस फाइव आया था मेरे ख्याल से, एडजॉइंट ऑफ ए होगा माइनस वन थ्री टू, माइनस वन टू माइनस थ्री, थ्री माइनस वन माइनस वन, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी कोई खास बात नहीं। एंड देयरफॉर फ्रॉम स्टार, स्टार से क्या है, एक्स की वैल्यू आएगी, क्या होगी एक्स की वैल्यू, ए इनवर्स बी, एक्स की वैल्यू है ए इनवर्स इंटू बी। तो हम ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमने ए इनवर्स निकाला दोस्तों उसे हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये यहाँ चूंकि मैंने इसे रब कर दिया है तो आपको बी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि बी क्या है। तो आप वैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बी क्या है, हमने अज्यूम किया था बी, इसको माना था हमने 078 को बी कहा था हमने। तो अब आपके पास हो गया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू वन अपॉन माइनस फाइव या माइनस वन बाय फाइव सेम है, माइनस वन थ्री टू, माइनस वन टू माइनस थ्री, थ्री माइनस वन और बी जीरो सेवन एट। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस वन बाय फाइव, मल्टीप्लीकेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ, माइनस वन इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू सेवन प्लस टू इंटू एट माइनस वन इंटू जीरो माइनस वन टू थ्री टू माइनस वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू सेवन माइनस थ्री इंटू एट, थ्री इंटू जीरो माइनस वन इंटू सेवन
माइनस वन इंटू एट, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय फाइव, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन और एट टू जा सिक्सटीन, एट टू जा सिक्सटीन, इसमें कहीं छोटी सी एक मिस्टेक हो गई होगी, अभी देखते हैं उसको, डोंट वरी, लेट अस रेक्टिफाई दिस। ये हो जाएगा, आप भी सुधारना भी सीख जाएंगे, ये जीरो हो गया, ये फोर्टीन हो गया, फोर्टीन और एट थ्री जा आपके पास है ट्वेंटी फोर, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, ये फोर्टीन है और ये ट्वेंटी फोर है, तो माइनस टेन आएगा, ये जीरो, माइनस सेवन इंटू वन माइनस सेवन और माइनस एट, ये हो जाएगा आपका माइनस फिफ्टीन। अब एक छोटी सी दिक्कत है कि कहीं भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन डिज़ाइन किया था तो मुझे आंसर ध्यान थे, तो वो क्वेश्चन डिज़ाइन करने से आंसर मुझे याद थे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस फाइव आना चाहिए, यहाँ पर माइनस फाइव आएगा जब ये वाली चीज़ सही होगी, तो ये हमारे पास होना चाहिए माइनस थ्री। ये कौन सी एंट्री है आप देखिए, ये एंट्री है ये वाली, जब आप पीछे जाएंगे तो ये एंट्री कौन सी होगी आपकी, ये एंट्री ये वाली होगी, ये वाली एंट्री होगी, अब ये वाली एंट्री होगी यानी सी टू वन, तो सी टू वन मैं वापस से निकाल देता हूँ, माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन, सी टू वन माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन, ये इसके एलिमेंट गए, इसके एलिमेंट बचे वन माइनस वन टू वन, वन माइनस वन टू वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन टू द पावर वन टू प्लस वन माइनस वन, वन इंटू वन वन प्लस टू, देखिए ना बिल्कुल करेक्ट कर दिया हमने, माइनस थ्री, तो ये माइनस थ्री आएगा, जो आप पीछे लिखा हुआ होगा आपने कॉपी में आप उसको भी प्लीज़ करेक्ट कर लें, और आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए केवल सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं बैठे हैं और मैं पहली बार ही सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो इसलिए ये एक मिस्टेक हो गई, तो आप इसे सुधार लें, और इस तरीके से आप सुधारना भी सीखेंगे कि आप क्या होगा। तो अभी आप आगे बढ़ते, अभी देखिए यहाँ पर अब आएगा माइनस थ्री, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस फाइव, अब माइनस फाइव से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वन टू थ्री। अब वन टू थ्री, ये एक्स क्या था आपका, एक्स था कैपिटल एक्स, एक्स वाई जेड, तो ये एक्स इज इक्वल टू कितना है वन, y इज इक्वल टू टू और z इज इक्वल टू कितना है आपके पास थ्री। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को वहाँ रख के चेक भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू माइनस थ्री, पहले में रखा जीरो, जीरो आ रहा है ओके तो ट्रू, दूसरे में भी रखें टू इंटू वन प्लस टू प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा सेवन, ये भी ट्रू है, ऐसे तीसरे में भी रख के देख लें, ये आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए और इसके लिए कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इससे आंसर सही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम प्रॉब्लम इज देयर, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आपको फिर पीछे जा कर के धीरे 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 करके उसे सुधार लेना है इस तरीके से, और आप ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आर वेरी इजी, और मोस्ट प्रोबेबली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मींस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, एंड अब जो पिछले साल के एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे और क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करें, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कमेंट बॉक्स में अगर आप नहीं लिख के बताना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9685698056 पे, ये दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर ऑन विच यू कैन सेंड योर मैसेज योर कमेंट्स एंड आई विल वेलकम यू, और मेरे चैनल को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको ये इस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती है, इस तरीके के क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इवन दे विल बी बेनिफिटेड, और आप खुद नहीं समझा सकते हैं किसी को डायरेक्टली, तो आप इनडायरेक्टली मेरे चैनल को उनको भेज करके ये बातें समझा सकते हैं, और इसी के साथ आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और बेल आइकॉन अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबा दें,
और इसी तरह के क्वेश्चन और आगे करते रहें, और मेरी बेस्ट विशेस है आपको, विश यू ऑल द बेस्ट।